जो सीधे आपके कंप्यूटर पर नजर रखेगी। सरकार ने 10 एजेंसियों को यह अधिकार दे दिया है कि वो चाहे तो किसी भी कंप्यूटर की जांच कर सकती हैं, उस पर निगरानी रख सकती हैं। तो आपकी निजता को हैक करेगी अब सरकार। ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आ गया है। सुरक्षा एजेंसियों को डेटा की जांच करने का अधिकार मिला है। अब वो किसी के भी कंप्यूटर की निगरानी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। सीबीआई, रॉ, आईबी और एनआईए, एनसीबी, ईडी, सीबीडीटी, डीआरआई, ये वो एजेंसियां हैं। डीएसआई, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ये वो एजेंसियां हैं जिनको ये अधिकार दे दिया गया है कि आपके कंप्यूटर में जो भी डाटा हो, अगर वो संदिग्ध है या एजेंसियों को लगता है तो वो उसकी जांच कर सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा साहब। आनंद शर्मा सर, जिस तरह से नीचे के फिर जारी किया गया, आप क्या है? ये तो भारत को एक पुलिस स्टेट बना रहे हैं। सबसे बड़ा हमला है जो राइट टू प्राइवेसी है, डिजिटल का अधिकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, ये उस पर भी सीधी चोट पहुंचा रहे। कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। वो भी आप बात करते हैं, जो मैसेज करते हैं, एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और जो भी कागज, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने, किसी भी, चाहे आईफोन पे बनाए, अपने स्मार्टफोन पे बनाए, आईपैड पे बनाए, लैपटॉप पे बनाए, कंप्यूटर पे, उस सबको सरकार मॉनिटर करेगी, सबकी सर्विलेंस करेगी और सबकी वो हासिल करेगी। यहां तक कि जो इंक्रिप्टेड भी हैं उनको भी डिक्रिप्ट करने का इन्होंने आदेश दिया। इतना बड़ा अधिकार कभी भी नहीं दिया गया पूरे देश के नागरिकों के प्रति। पहले ये दिया जाता था अगर कोई अपराधी है, आतंकवादी है, उनके लिए वे देश की पूरी जनता को उसी कैटेगरी में डालते। सरकार का कहना है जो सही लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्या है इसमें तो पूरा अधिकार दे दिया गया, किसका मर्जी करे, कौन ये तय करेगा सही कौन है और गलत कौन? क्या इंटेंशन है इसके पीछे? पुलिस स्टेट बनाना देश का। ये हड़बड़ा उठे हैं, अभी जानना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर विपक्ष जिस तरह से है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या प्रचार होगा, हम क्या आपस में समझौते करेंगे। सरकार पूरी निगाह रखना चाहती है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमसे जुड़ भी गए हैं लाइव। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इतना बड़ा फैसला सरकार ने दिया है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन आम लोग भी इस फैसले से खुश बिल्कुल नहीं होंगे। ये उसी तरीके से है जैसे आधार कार्ड के पे जो सारा डाटा जो है वो हर चीज से कनेक्ट हो रहा था और लोगों ने विरोध किया था। एक तरह से देखा जाए तो क्या आपको, आप लोगों से बात कर रहे हैं, इसे निजता का अधिकार का हनन मानते हैं सरकार के इस फैसले को कि मेरे का पर्सनल कंप्यूटर में क्या डाटा है, आप सरकार उसको एक्सेस कर सकती है? देखिए शोभना, जैसे ही इंडिया न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया उसके बाद संसद के गलियारे में इसको लेकर खलबली मच गई। राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिस तरह से आपने आनंद शर्मा को सुना वैसे ही कमोवेश विपक्षी दल सभी जो है इसी मत से सहमत थे कि ये निजता के अधिकार पर हमला है। और जिस तरह से जो गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2018 को जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें किसी भी कंप्यूटर के डेटा को इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन कर सकती हैं जो 10 एजेंसियों को सूचित किया गया है, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69(1) के तहत जो है एजेंसियों को अधिकार दिया गया है। और ये जिस तरह से अधिकार दिया गया है उसको लेकर जहां कांग्रेस के साथ साथ आप पार्टी की बात करें, एनसीपी सहित जो समाजवादी पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे सरकार बौखला गई है। बहुत बहुत